अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नसीर खान खेल। हाउ टू राइट कर्व टेक्स्ट इन उर्दू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खामदार टेक्स्ट तहरीर लिखने का तरीका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू लिखने के लिए पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद लेफ्ट साइड वाला अल्ट शिफ्ट प्रेस करने से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप उर्दू लिख सकते हैं। एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करें। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पर क्लिक करें। योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर वो टेक्स्ट टाइप करें जिसको आप कर्व करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम उर्दू में लिखेंगे। उर्दू मोड ऑन करने के लिए कीबोर्ड से बाई तरफ अल्ट शिफ्ट प्रेस करें। अल्ट शिफ्ट के बाद अब यहाँ पर आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा हो जाए। कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर दिया और यहाँ पर आखिर में पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी के साथ। अब यहाँ पर आप इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करें। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें टैब पर क्लिक के साथ। होम टैब पर क्लिक करें और यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जमील नूरी नस्तालीक नफीस वेब वगैरह। जमील नूरी नस्तालीक मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब इस टेक्स्ट पर हम एक स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो इसको इस तरह सेलेक्ट करें। सेलेक्शन के बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करें और फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट्स, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे आखिर में है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन है आर्क अप, इस पर क्लिक करें। अब इसको यहाँ से आप मज़ीद कर्व कर सकते हैं। ये जो मिडल पॉइंट है इसको आप इस तरह नीचे ड्रैग करें। अब इस टेक्स्ट को हम अंडरलाइन करेंगे। तो अंडरलाइन करने के लिए इस बार ट्रिप पर क्लिक करें ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और इसके बाद होम टैब के अंदर अंडरलाइन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। अब इसके नीचे क्लिक करें यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्व टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।